नमस्कार मित्रों, आज की परिस्थितियों के बारे में बात करते हैं जहां आज देश में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जैसे बड़े बड़े मुद्दों पर चिंतन करने की बजाय कुछ अलग ही विवाद लेके बैठे हैं। उन अलग विवादों में पहला विवाद है कि भारत माता की जय बोलने से किसी की देशभक्ति साबित होती है या भारत माता की जय ना बोलने से किसी की देशभक्ति पर सवाल या निशान उठा सकते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ चर्चा करी है पटना के बुद्धिजीवी श्री शशि शेखर जी ने, जो खुद एक आईएफएस अधिकारी है। क्या कुछ कहा उन्होंने, हम आपको अवगत करवाते हैं। दोस्तों, आज मुझे आप लोगों ने एक टॉपिक दिया है बोलने के लिए, मैं बहुत ही आप लोगों का धन्यवाद सबसे पहले समर्पित करता हूँ आपको। और ये विषय जैसा आप लोगों को पता भी है, जय हिंद एक नारा है और दूसरा नारा है भारत माता की जय। इन दोनों के बीच के विश्लेषण के बारे में मुझे बोलना है। सबसे पहले तो इस पर जो विवाद हुआ उसके बारे में प्रकट कर दूं कि भारत में, देश में, इधर हम देख रहे हैं छोटी छोटी बातों में हम लोग ज्यादा विवाद करने लगते हैं। और काफी ठीक है, विवाद होना चाहिए, छोटी छोटी बातों में भी होना चाहिए, लेकिन एक लेवल होनी चाहिए, एक सीमा होनी चाहिए, एक मर्यादा होनी चाहिए कि कितना तक उस पर बात की जा सके। तो मेरी नजर में ये सब क्षुद्र बातें, पहली नजर मुझे भी लगी कि काफी क्षुद्र और उसी टाइप की बातें हैं, कोई बात नहीं होनी चाहिए। बाद में मुझे लगा कि इसमें कहीं सूक्ष्मता का कोई बिंदु है, कोई केंद्र है इसमें, जो हो सकता है आगे कन्फ्यूजन पैदा करे और इसमें आगे जो है एक बड़ा विवाद पैदा कर दे। तो मैंने ये जरूरी समझा कि इस स्थूलता को, इस सूक्ष्मता को, स्थूल विवाद में बदलने के पहले इसके बारे में पूरी तरह बातें क्लियर कर ली जाए ताकि बाद में भयानक विवाद उत्पन्न न हो। तो सबसे पहले तो मैं ये छोटी सी बात से कहना शुरू करता हूँ कि कई एक शब्द के कई नाम होते हैं। जैसे हम लोग बचपन से पढ़े हैं सूर्य के, चंद्र के, कई तरह के नाम। सूर्य के नाम है भास्कर है, दिना दिवाकर है, प्रभाकर है, रवि है। अब कोई कहे कि मैं रवि बोलूं, कोई कहे मैं भास्कर बोलूं, तो अब कोई आपस में कोई लड़ाई करता है क्या कि नहीं मैं रवि बोलूंगा, वो कहे कि नहीं आप भास्कर बोलिए, नहीं बोलिएगा तो ये सब फालतू चीज, इसका कोई मतलब नहीं है। अरे कहने का मतलब है कि भाई कोई वस्तु है, इसका नाम है ये, इसको कई नामों से बोलते हैं। अब इसी को आप तमाम खींचते रहिए तो आप आएंगे कि एक ही चीज को हम लोग कई तरह से प्रकट करते हैं, एक ही आयाम को कई आयामों में प्रकट करते हैं कई तरह से। यही हमारी विविधता है और इसको रेस्पेक्ट करना चाहिए, हमारी भारतीय संविधान कहते हैं। दूसरी चीज हम ये कहना चाहेंगे कि जो करंट विवाद है उसमें यह है कि भाव क्या था, जो बोलने वाले थे, जो हैदराबादी नेता हैं, उनकी लव स्टोरी काफी अच्छी है, ऐसा नहीं है। एमएलए रहे हैं, प्रतिष्ठित रहे हैं, 3 बार एमएलए रह चुके हैं वहां से, वहां की कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनकी इज्जत है और एक अच्छे वक्ता भी हैं। और उन्होंने किस भाव से कहा ये अब मैटर करता है। तो हो सकता है कि थोड़ी सी वो क्रोध के भाव में या किसी के प्रति जो है प्रतिक्रिया में वो ये चीज बोल रहे हो कि भाई वो कहे हैं इसलिए हम नहीं कहेंगे। होता है, ये भी होता है कि वो लोग कह रहे हैं मैं, एक ही गांव में 2 पगडंडियां होती है, वो साहब उनका पगडंडी है, मेरा पगडंडी, हम उस पगडंडी में नहीं जाएंगे, हम इस पगडंडी जाएंगे, लेकिन रहना दोनों गांव में, ये होते रहते। ऐसा करना कोई बहुत बड़ा सा विवाद हो गया, बखेड़ा हो गया, ये कतई नहीं सोचना चाहिए। मैं ये कहूँ चलिए ठीक है, उनका अगर ये ध्येय रहा कि वो क्रोध में वो बोल दिए तो इसके लिए आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं कि भाई आपको क्रोध में नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप कैसी प्रतिक्रिया फिर दिए बाद में देखिए। गूंज की गूंज होती रही, फिर गूंज होती रही, जो दुनिया गूंजती रही उनका क्या मतलब, जो उससे भी ज्यादा कष्ट करने वाली बातें जिसका कोई कोई मतलब उसका सेंस नहीं रह जाता और वो सारी गड़बड़ होकर रह जाएंगी। किसी भी तरह का सार्थक विवाद ये नहीं हो पाएगा, कोई भी सार्थकता की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। जैसे सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा लोगों से, जो भी बोलते हैं वक्ता हैं सब अच्छे हैं, कि जब भी आप किसी का विरोध करते हैं, विरोध की भाषा प्रयोग करते हैं, तो महात्मा गांधी का उदाहरण अपने सामने स्पष्ट रूप से रखें। महात्मा गांधी ब्रिटिश जैसी ताकतों के बीच में भी बिल्कुल उनका विरोध करते थे, करते रहे थे,
और शब्द किस तरह का देते थे राजनीति। सत्याग्रह आंदोलन ने शुरू किया सविनय अवज्ञा आंदोलन, अवज्ञा करेंगे आपकी लेकिन सविनय शब्द बिल्कुल ह्यूमिलिटी उसको शब्द कहते हैं इंग्लिश में। विनम्रता इतनी ज्यादा रहनी चाहिए आप में कि उसका प्रभाव व्यापक रहेगा, वो कहीं भी कायरता नहीं, वो बड़ी हिम्मत और बहुत ही साहस का चीज होती है वो, जो आप नम्रता रखते हैं, जो विनम्रता रखते हैं, कथित निम्रता विनम्रता रखते हैं, वो आपकी दीनता और लाचारी नहीं प्रकट करती, वो आपकी कायरता भी नहीं प्रकट करती है, वो आपकी अदम्य साहस और टूट आपकी आशक्ति उसको प्रभाषित करती है। ये मैं कहना चाहूँ, इसलिए कभी भी आप विरोध करें तो बहुत ही शालीनता से विरोध की भाषा में अत्यंत शालीनता बढ़ते, ये तो पहले दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि कुछ सेक्शंस ऐसा मानते हैं धार्मिक रूप से कि भारत माता जो है वो हिंदू धर्म का या किसी धर्म का एक आस्था का केंद्र है। ठीक, तो इस बारे में हम कहना चाहेंगे अगर उस तरह का परिचय वो पाते हुए ये चीज कहते हैं कि मैं भारत माता को जो है धार्मिक रूप से अपनी आस्था का केंद्र बनाकर मैं ये चीज कहता हूं, तो वो सही, उसका और कोई दूसरा अर्थ अगर निकाल कर रोक करते हैं तो वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भारत माता कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ है, सही बात है, लेकिन फिर भी यहां के ज्यादातर लोग भारत को माता कह के जो पूजते हैं उसके पीछे शुद्ध और विशुद्ध धार्मिक भावना ही कही जाएगी, इससे कम तक कुछ नहीं कहनी भी चाहिए और कहना बिल्कुल ही पवित्रता का द्योतक भी रहेगा और पवित्रता होना अच्छी बात है। अब मैं आपको रेफरेंस देता हूं एक महान संत के हैं श्री जवाहर बाबा, जो हम लोग ईश्वरलीन संत ब्रह्मवेता बहुत प्रकांड विद्वान थे और उन्होंने किताब भी लिखी है दिव्य दर्शन, उसमें बहुत सारी बातों का उन्होंने समन्वय किया है। वो खुद सभी धर्मों का और धर्म में भी कई तरह की चीजों का उन्होंने बहुत समय और बहुत ही विस्तार से उल्लेख भी किया है उसमें, और उसमें उन्होंने बताया है कि ईश्वर एक बहुत ही हमारा चरमोपलब्धि है ईश्वर, और उसके पहले हमें बीच में कई पड़ावों से गुजरना पड़ता है और इस क्रम में कई तरह की आस्थाओं को अपना घेरा बनाना पड़ता है। तो उस बीच में अगर कोई कई तरह के आस्था के केंद्र किसी भी व्यक्ति के हो सकते हैं, तो अगर कोई भारत माता को उस तरह के भावना से आस्था के केंद्र बनाकर पूछता है तो गलत नहीं करता। और ये चीज हुई धार्मिक परिभाषा इसमें पूरी तरह से, और इसी तरह से मैं ये कहूंगा कि जब वो इस धार्मिक अर्थ को जब इसके भाव को बिल्कुल अत्यंत बिल्कुल इसको कहते हैं हम लोग अत्यंत भाव हो जाता है, तब फिर हायर ट्रुथ की तरफ वो आदमी बढ़ता है, जो साधक होता है, जो साधना करता है, साधना के क्रम में धीरे धीरे उत्तरोत्तर उसका विकास होता है और अंत में वो ईश्वर जैसे महा विशाल ब्रह्म सत्ता की अधिकारी हो जाता है। तो ये इसकी मंशा है, ये मैंने सैद्धांतिक मंशा इसकी है। ठीक उसी तरह से ये चीज तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि लोअर पुस्ते में हायर ट्रुथ तक जाना पड़ता है, और इसी ने कहा था कि एक्सेप्ट ऑल रिलीजन्स, सभी धर्मों का स्वागत है। और अगर धर्म की बात की जाए तो महात्मा गांधी ने ही कहा था कि एक आदमी का भी एक इंडिपेंडेंट धर्म है और इस तरह से इन्फिनिटी धर्म, हर आदमी का अपना प्रतीक चुनने का अधिकार है और यह हमें संविधान में स्वतंत्रता मिली। अब रही बात उस चीज को दूसरे मंच से देखने, अब ये चीज देखा गया धार्मिक मंच, अब ये जय हिंद का नारा, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मैं जय हिंद बोलूंगा, इसको बिल्कुल ही आप दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें, ये बोला गया है राजनीतिक सत्ता के गलियारे से, जिसमें उनको अपना राजनीतिक अस्तित्व दिखाना है, उसके लिए वो कर रहे हैं वैसा। और इसको दोनों को घाल में हमें नहीं करना, ये दोनों दो मंच की चीज है, एक धार्मिक मंच है, एक राजनीतिक मंच। जय हिंद के बारे में अगर मैं बताऊं तो जय हिंद भी एक बड़ा ही राष्ट्रीय आंदोलन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा का ये नारा रहा है। सुभाष चंद्र बोस जी ने इस चीज इस नारे का प्रचार किया था और उन्होंने एक बहुत ही बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन छेड़ा था इस नारे के तले, इसलिए इसका भी बहुआयामी महत्व है और ये पूरी तरह राष्ट्रभक्ति है जय हिंद का नारा देना।
और सबसे अंत में मैं एक ही चीज कह के इस बात को समाप्त करने की कोशिश करता हूँ कि एक तो प्रसंग और कंटेक्स्ट अलग अलग है दोनों के, एक जहाँ धार्मिक है दूसरी जगह वो राजनीतिक है, एक जो धार्मिक विचार रखता है उसी तरह राजनीतिक विचार रखता है, एक जो धार्मिक सत्ता की तरफ जा रहा है एक राजनीतिक सत्ता की तरफ जा रहा है, एक धार्मिक सिद्धांतों की बात कर रहा है एक राजनीतिक सिद्धांतों की बात कर रहा है, एक ईश्वर की बात कर रहा है एक राजनीतिक सत्ता राज्य की बात कर रहा है, तो दोनों को घालमेल करके हम लोग भारत में नहीं रहे हैं न रहना चाहिए। बस लास्ट में एक एग्जाम्पल बड़ा खूबसूरत इसमें देना चाहता हूँ। चलिए देखते हैं, दिल्ली में एक भीड़ जमा है, उसमें दो सेक्शन है, एक सेक्शन कहती है कि मैं जाऊंगा कलकत्ता इलाहाबाद कानपुर पटना बनारसी इस रास्ते से जाऊंगा, एक सेक्शन कहता है कि नहीं मैं कलकत्ता ही जाऊंगा मैसूर होते हुए कर्नाटका या हैदराबाद सब होते हुए भुवनेश्वर होते हुए कलकत्ता चला जाऊंगा। अब मान लीजिए दोनों के दोनों चलते हैं और पहुंचते हैं वहां, और एक भीड़ जो पटना से इलाहाबाद वाली गई है वो कहेगी कि मुझे रास्ते में गंगा नदी का दर्शन, और वो कहेगी कि मुझे तो गंगा नदी का दर्शन होता कि आपस में लड़ पड़ेंगे दोनों, यह शास्त्र नहीं बहुत ही बेबुनियाद बात है, ये सब बेकार का बवेला है और भारत के विकास के लिए हमें पूरी तरह समर्पित कर रहना है। इस तरह पूरी सकारात्मकता दिखाते हुए भारत के साथ लोग भारतीय हैं, हर धर्म के हैं, हर समुदाय के हैं, हर तरह के सोच के हैं, हर तरह की विचारधारा के हैं, परस्पर विरोधी समानार्थी सभी लोगों को मिलजुल कर रहना है, शक्ति को जगाते हुए और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना को उजागर करते हुए हमें विकास के पथ पर आगे